अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और न्यू टॉपिक इज रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। नंबर वन इज कि आपको ये पता है कि जो न्यूक्लियाई है जो कि रेडिएशन इमिट नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं? स्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, अब स्टेबल न्यूक्लियाई जो हैं वो आपके पास एटॉमिक नंबर 1 to 82 हैं। ठीक है, 1 to 82 जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। लेकिन जो एलिमेंट्स 82 से जिनका एटॉमिक नंबर बड़ा है, ठीक है, वो नेचुरली अनस्टेबल हैं, दे आर नॉट स्टेबल। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन इमिट करते हैं हर टाइम और चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। ठीक है, और वो जो और कुछ ऐसे, एक तो ये बात हो गई कि वो स्टेबल कौन से हैं, 1 to 82 जो हैं एटॉमिक नंबर वाले वो स्टेबल हैं, जो 82 से अबव हैं दे आर नॉन स्टेबल। ठीक है, वो रेडिएशन इमिट करते हैं। और दूसरी बात ये, जो स्टेबल और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट हैं हम उनको भी रेडियो एक्टिव बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं? बाय बम्बार्डिंग देम विद फोटोन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। या तो हम उनको बम्बार्ड करते हैं, जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं आपके पास, स्टेबल एलिमेंट्स हैं, या तो उनको प्रोटॉन से बम्बार्ड करते हैं या न्यूट्रॉन से या अल्फा पार्टिकल से, और उनको आर्टिफिशली जो है वो रेडियो एक्टिव बना देते हैं। तो उनको क्या कहते हैं हम? रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो आइसोटोप्स हम कहते हैं। ठीक है, हियर आर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल आप क्या है, न्यूट्रॉन को जब स्टेबल सोडियम पे आप जो है बम्बार्ड कराते हो तो आपके पास सोडियम का रेडियो आइसोटोप आता है। ठीक है, और गैमा रेज इमिट होती हैं इससे। ठीक है, अब जब हीलियम को आप स्टेबल एल्यूमिनियम न्यूक्लियाइड पे जब आप बम्बार्ड कराते हो तो आपके पास क्या आता है? फॉस्फोरस आता है। ठीक है, फॉस्फोरस जो है ये रेडियो आइसोटोप है और एक आपके पास वहाँ से न्यूट्रॉन इमिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रेडियो आइसोटोप्स में। और क्या इमिट करते हैं? साथ रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके जी, रेडियो आइसोटोप्स के यूजेज हैं कुछ। नंबर वन इज ट्रेसर्स। अब ट्रेसर्स क्या है? रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप। दे कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स और प्लांट। ठीक है, अब ये जो रेडियो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, इनके ट्रेसर्स होते हैं कुछ, ये केमिकल कंपाउंड हैं जिसके अंदर कुछ क्वांटिटी जो है आपकी रेडियो आइसोटोप की होती है। ठीक है, अब ये अगर ह्यूमन बॉडी में जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी में इनकी हम रेस से चेक करते हैं कि ह्यूमन बॉडी का या एनिमल्स का या प्लांट्स का मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ट्रेसेस के थ्रू पढ़ते हैं। अब वन बाय वन हम इनको रीड आउट, अब हम ट्रेसेस को देखते हैं वन बाय वन। हमारे पास फर्स्ट वन इज ट्रेसर जो है, उसमें मेडिकल में एग्जाम्पल है इसकी थायरॉयड ग्लैंड्स। थायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं ये आयोडीन 131 होता है, ठीक है, इसमें यूज़। और आपको ये पता है कि ये थायरॉयड का एरिया कहाँ होता है? ये हमारी जो नेक है, ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर होता है। ठीक है, अब 1/4 ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ आयोडीन जो है हमारी बॉडी की वो कहाँ पे स्टोर होती है? थायरॉयड ग्लैंड्स में स्टोर होती है। और अमाउंट ऑफ आयोडीन एंटरिंग द ग्लैंड्स कैन बी सीन थ्रू सीन बाय डिटेक्टिंग द रेडियो एक्टिव एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव आयोडीन। देखिए, अब हमें कैसे पता चलता है कि कितनी आयोडीन की अमाउंट जो है वो ग्लैंड्स के अंदर जा रही है? वो हम किसकी मदद से देखते हैं? रेडियो एक्टिव आयोडीन की मदद से देखते हैं कि उसके अंदर से जो रेडियो एक्टिव रेज इमिट होती हैं उनकी मदद से हम देखते हैं कि कितना जो है आयोडीन हमारे ग्लैंड के अंदर एंटर हो रहा है। नेक्स्ट इज ब्रेन ट्यूमर की डिटेक्शन होती है। इसको फॉस्फोरस 32 से हम जो है वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स की स्टरलाइजेशन जो होती है वो थ्रू कोबोल्ट 60 हम करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में जो है हम स्टडी करते हैं रेडियो आइसोटोप को। वी स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। उसमें नाइट्रोजन 15 और फॉस्फोरस 32 जो है आप सोइल में ऐड करते हो। ठीक है, जब प्लांट जो है उस सोइल को एब्जॉर्ब कर लेता है तो रेडियो आइसोटोप कैन ट्रैक अपटेक ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो रेडियो आइसोटोप जो है, ठीक है, वो आपके फर्टिलाइजर के साथ रूट्स से लीव्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से आप उनकी रेस से उसको स्टडी कर लेते हो कि रेडियो आइसोटोप या फर्टिलाइजर जो है आपके
वो प्लांट की बॉडी में कहाँ कहाँ मूव करेंगे रेडिएशन की डिटेक्शन से, ठीक है। रेडियो आइसोटोप्स जो है वो जो है पेस्ट को, पैरासाइट्स को बी किल करने में यूज़ होते हैं एंड टू कंट्रोल द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और फ्रूट्स की राइपनिंग को भी कंट्रोल करते हैं ये। ओके, नाउ वी हैव द ट्रेसेस। ट्रेसेस में जो अंडरग्राउंड पाइप्स में जो लीक्स होते हैं उनके लिए भी हम ट्रेसेस यूज़ करते हैं। ट्रेसेस जो है हम जो पाइप में लिक्विड है उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और ये जो डिटेक्टर है ये मूव अलोंग द पाइप। देखें, अगर आप आपको ये पता है कि जो है आपका ये पाइप है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे लीक हो गया, ठीक है। अब अंडरग्राउंड तो आप नहीं देख सकते कि यहाँ पे लीक है कि नहीं। हम यहाँ से ना पाइप के अंदर जो है कुछ ट्रेसेस डाल देते हैं लिक्विड के अंदर, रेडियो एक्टिव ट्रेसर। अब रेडियो एक्टिव रेस निकलना शुरू होती है और यहाँ पर हम डिटेक्टर रख लेते हैं अपना, ठीक है। अब जिस जगह पर लीकेज है वहाँ से हमें रेस जो है वो काउंट रेट ज़्यादा मिलेगा, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से जो है वाटर लीक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आके हम उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है। रेडियो आइसोटोप और ऑल्सो यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर क्यूरिंग डिजीज। कोबोल्ट 60 जो है ये कैंसेरियस ट्यूमर्स को और सेल को क्योर करने में यूज होता है, ठीक है। द रेडिएशन किल द सेल ऑफ मैलिगेंट ट्यूमर इन द पेशेंट, और ये रेडिएशन जो है ये आपके अंदर जो ट्यूमर है उसको क्या करता है, ट्यूमर सेल्स को किल कर देता है। अच्छा जी, अब हमारे पास कार्बन 14 जो है, कार्बन डेटिंग हम पढ़ने लगे हैं। कार्बन 14 जो है वो हमारे पास बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है वो एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। लाइफ प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयरफॉर बिकेम स्लाइटली रेडियो एक्टिव। अब जो लाइफ प्लांट्स हैं आपको पता है वो सब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। तो वो स्लाइटली रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। जब एक ट्री जो है वो डाई होता है, ठीक है, तो क्या होता है, कार्बन 14 जो है प्लांट के अंदर डिके होना स्टार्ट कर देती है। कार्बन 14 की हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो 5730 ईयर्स है, और एज ऑफ ट्री जो है ये आप लाइव प्लांट में और डेड प्लांट में कार्बन 14 की अमाउंट को कंपेयर करके जो है आप निकालते हो एज, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, जो एक्टिविटी होती है लाइव ट्री में, ठीक है, कार्बन 14 की, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है क्योंकि वो रिपेलिश्ड होती रहती है, ठीक है। लेकिन जब प्लांट जो है वो डाई हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कार्बन 14 जो है वो रिपेलिश नहीं होती, और आप जो है इस तरह इजीली जो है साइंटिस्ट मेजर कर सकते हैं एक्टिविटी ऑफ एंशियंट रिलाइक, साइंटिस्ट कैन बी एस्टिमेट इट्स एज, ठीक है। अदर आइसोटोप्स इसके अलावा आपके पास भी जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस की एज निकालने के लिए यूज़ होते हैं, जिस तरह कुछ रॉक्स में आपके पास अनस्टेबल जो है पोटेशियम आइसोटोप होता है K40, ठीक है। अब दिस डिके टू द स्टेबल ऑर्गन न्यूक्लियाइड ऑर्गन 40 विद हाफ लाइफ ऑफ 2.4 × 10⁸ ईयर्स। अब जो है आपके पास ये जो आपके पास पोटेशियम 40 है, ठीक है, आइसोटोप जो है ये 2.4 × 10⁸ ईयर्स लगाता है, ठीक है, आर्गन में कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो एज ऑफ रॉक सैंपल कैन बी एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग आप आर्गन और जो है आपके पास ये पोटेशियम का सैंपल, इन दोनों को जो है आप कंपेयर करके एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब यहाँ डायग्राम में देखें आपके पास जो आपके पास कॉस्मिक रेस हैं, ठीक है, जो कि आपकी ज़मीन की तरफ आ रही हैं, ठीक है, उनकी मदद से क्या होता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन्स पहले तो एटमोसफेयर में कार्बन 14 के साथ एटमोसफेयर में आते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसिंग कार्बन 14 और हाइड्रोजन जो है ये दो चीज़ें जो है इनको प्रोड्यूस करते हैं। फिर अब क्या होता है कि ये नाइट्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करता है जब न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन और कार्बन 14 एटम आपके पास बनता है। कार्बन 14 मिक्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन 14 जो है ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो वो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब वेजिटेशन एब्जॉर्ब रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके पास जितने प्लांट्स हैं, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और एनिमल्स जो हैं इन वेजिटेशन के ऊपर फेड करते हैं, ठीक है, तो वो भी वहाँ से क्या कर लेते हैं, कार्बन 14 अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो
डाई मर जाते हैं तो क्या होता है, कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट एट अ नोन रेट. तो कार्बन 14 जो है उससे डिके होना स्टार्ट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से बाद में हम उसकी एज को एस्टिमेट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा जो है कार्बन डेटिंग था. इसका एक स्मॉल रिव्यू देख लेते हैं. देखें आर्कियोलॉजी में ये यूज़ होता है कार्बन 14 जो है, इसका क्विक रिव्यू है. ये रेडियो आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ 5 to 30 ईयर्स है और डिके होता है ये बीटा पार्टिकल्स को एमिट करते हुए. लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो उनकी प्रोपोर्शन जो है वो आप क्या करते हो, हैव अ नोन प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 14 इन देयर टिश्यूज विच रिमेन कॉन्स्टेंट. ठीक है, जब वो लाइव होते हैं तो एक नोन प्रोपोर्शन होती है हमारे पास जो कि कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन जब प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है ये कार्बन 14 की जो अमाउंट है उनके अंदर. तो अमाउंट ऑफ कार्बन 14 लेफ्ट इन डिकेड प्लांट और एनिमल कैन बी यूज टू टेल इट्स एज. तो अमाउंट ऑफ कार्बन 14 जो कि डिकेड हो रही है प्लांट और एनिमल में वो उसकी एज जो है वो फाइंड करने में हम यूज़ करते हैं. सो दीज आर योर सम यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप. होप सो यू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.